हालांकि कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी पर कई खास आयोजन होते हैं, लेकिन इस मामले में मेवाड़ और मालवा के इष्टदेव भगवान सांवरिया सेठ की नगरी की बात ही कुछ न्यारी है। पूरे कस्बे की गत रात रंगत ही अलग थी और न केवल दुल्हन की भांति सजाया संवारा गया, बल्कि रंग बिरंगी रोशनी में नहाए मंडपिया की अलग ही छटा नजर आ रही थी। जल जुलनी को लेकर मंदिर मंडल के साथ साथ भक्तों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा था। दिन भर कान्हा के बासुरूप दर्शनों का इंतजार आखिरकार सांझ ढलने के साथ खत्म हुआ, जब मंदिर परिसर घंटे घड़ियाल और शंखनाद से गुंजायमान हो उठा। भगवान को स्वर्ण वस्त्र धराए गए और विशेष पूजा अर्चना के बाद गर्भगृह से बेवाण में विराजित कर मंदिर चौक लाया गया और यहाँ से शुरू हुआ भगवान का भ्रमण। दूसरे साल भी मंदिर कॉरिडोर में ही बेवाण निकाला गया। भक्तगण थाली और मांदल की थाप तथा भजनों पर नाचते गाते चल रहे थे। अंत में पुजारी परिवार और भक्तगणों ने भगवान के साथ रंग गुलाल से फाग खेली और बेवाण पुनः मंदिर चौक पहुंचा, जहां सूखे मेवे और मिठाइयों के भोग के बाद भगवान को पुनः गर्भगृह लाया गया। कि कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार यहां पे जो शोभा यात्रा निकाली जाती है हर वर्ष, उसको इस बार भी सांकेतिक रूप से ही निकाला गया और हमारा जो मंदिर कॉरिडोर है उसमें बाल गोपाल का शोभा यात्रा निकाली गई और साथ साथ में जो पुजारी हैं मंदिर के कर्मचारी हैं उन्होंने कान्हा जी के साथ में होली एक तरीके से गुलाल के साथ खेली और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा आज का। जलजुलनी एकादशी का जो ठाकुर जी का मेला रहता है उसमें लाखों की तादाद में पब्लिक तीन दिन के लिए जब मेला लगता है उसमें पधारती है। सेठ जी के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, दशमी को एक रेवाड़ी निकलती है छोटी सी ठाकुर जी की, नगर भ्रमण करके वापस आती है, उसमें भी ठाकुर जी के बहुत सारे भक्त और सब आनंद लेते हैं रहते हैं। उसके बाद एक जलजुलनी एकादशी के दिन ठाकुर जी की जो बाल स्वरूप निकल के रेवाड़ी में रेवाण के साथ पुष्प अपने सरोवर पर जाते हैं ठाकुर जी, सरोवर से वापस पूरा भ्रमण करके नगर फिर वापस मंदिर प्रांगण में पधारते हैं। उसके बाद आप देख लो कि लाखों की तादाद में सेठ जी के जयकारों के साथ ढोल नगाड़े हाथी घोड़ों के साथ यहाँ शोभा यात्रा पहुँचती है। उसके बाद आरती होने के बाद सेठ जी अंदर विराजमान होते हैं मंदिर में और दो साल से जब कोरोना से गाइडलाइन और कोरोना जब से लगा है उस टाइम से काफ़ी फर्क हुआ है। गए बार तो बिल्कुल छोटा मोटा प्रोग्राम भी नहीं हुआ था, इस बार सेठ जी का गाइडलाइन के हिसाब से यहीं परिसर में शोभा यात्रा निकाल कर और यहीं झुलाए गए हैं और काफ़ी श्रद्धालुओं को LCD वगैरह या ऑनलाइन दर्शन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। सारे भक्तों और सबके जरिए कि सेठ जी ये जो महामारी आई है इसको जल्द से जल्द ख़त्म करें और जैसे निरंतरण सेठ जी के सब सेवक और दर्शन के लिए पधारते थे उसी प्रकार वापस पधारें और उनकी भी हर मनोकामना और सेठ जी के सामने पूर्ण रूप से स्वीकार होए।